रे भाई रे हे जुगा हाट पाट बजार करी जानू अने सब जुग वाण मोरा भाई नहीं का खासो फोकट फेरा जी पीरला बोगिनान सुनी जे इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैही का टाइम था और 1894 में सबसे पहले मंजेवाड़ी का एक मेला हुआ। और हमको पता है कि जब मेला होता था उस जमाने में तो कुछ ऐसे मेले में मौला खुद चूंकि हिंदुस्तान में जब रहते थे तो मौला तशरीफ ले जाते थे, पधरामनी फरमाते थे और वहाँ जमात अलग अलग देश से आती थी, जमा होती थी, समूह लग्न होते थे, खुशियाँ होती थी, मौला के दीदार भी होते थे और मौला के हाथ से जमात में शादी होती थी। तो इसी किस्म का एक मेला था और वो मंजेवाड़ी का पहला मेला था। मौला भी वहाँ जमात के साथ में थे, औरतें रासड़े खेल रही थी, गरबा खेल रही थी और मौला भी इनके सामने देख रहे थे। वहाँ पर कुछ इस्माइली बैठे थे, ग्रुप बैठा था और हमारे दो इस्माइली, एक बाप और एक बेटा, जो बिल्कुल हिंदू के लिबास में पगड़ी पहने हुए, अपना पहरण पहने हुए और वहाँ पर आए, आकर उस ग्रुप को याली मदद कहते हैं। फौरन वहाँ जो बैठे हुए थे इन्होंने पहचान लिया और इन्होंने कहा कि आओ आओ, आप कैसे हैं। और वो जमाना था कि जब आपस में एक दूसरे को बुलाते थे तो वो कहते थे कि ऐ वणजारा, कैसा है तू, क्या लेकर आया है। वणजारा कहते हैं बिजनेसमैन को, ताजिर को, धंधादारी को, वणज करने वाला, व्यापार करने वाला, धंधा करने वाला, माल की लेन देन करने वाला, इसको कहा गया है वणजारा। तो जब कभी भी बात होती थी तो बुजुर्ग आपस में कहते थे कि आओ वणजारा, अपने बेसिए अने अपने वातो करिए, अपने व्यापार करिए। तो जब ये बाप बेटे आए, इन्होंने याली मदद कहा तो फौरन इनको पता चल गया कि भाई ये इस्माइली हैं हमारे और गुप्ती इस्माइली हैं। और गुप्ती इस्माइली क्या थे वो आपको पता है कि वो हिंदू में से इस्माइली बन चुके थे लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि वो जाहिर में अपने आप को इस्माइली नहीं कहलवाते थे। और मौला ने भी इनको फरमाया था कि आप हिंदू की तरह रहो लेकिन मजहब इस्माइली तरीके पर अमल करो। तो वो इस तरह के अमल करते थे। दोनों बाप बेटे बैठे वहाँ पर और बाप को पूछा गया, लोगों ने पूछा कि ए वणजारा, तमे एटले छेते थी आव्या छो, सो लै आव्या छो, आप क्या लाए हैं, कुछ धंधा वंदा करवाना है कि नहीं करवाना है। तो बोले धंधा तो लाए हैं और हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो क्या शुरू कर रहे हैं? तो बाप ने गिनान का पाठ शुरू किया, दूर देश थी आयो वणजारो, शाम मिल सौदा कीजिए। बेटे ने साथ में साथ दिया और फिर गिनान पूरा हुआ तो इसका तर्जुमा आपस में डिस्कस किए और ये इल्म की मजलिस हुआ करती थी। और आज वही गिनान जो उस बुजुर्ग ने वहाँ सुनाया था, जो पीर हसन कबीरदीन रहमतुल्लाह अलैही का गिनान है,
बहुत ही अच्छा गिनान है, उसको मैं आज आपके सामने पेश करूंगी। गिनान को मैं पेश करूं इसके पहले मैं थोड़ा सा गिनानों का बैकग्राउंड आपके सामने देना चाहती हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे बाप दादा हिंदू थे और हिंदू में से हमको ये सत पंथ तरीका दिखाया गया। पीरों ने हम पर बहुत बड़े एहसान किए हैं, पीरों के खजाने भरे हुए, खजाने भरे हुए। अगर उस ज्ञान के वर्से को, उस वारसे को अगर हम नहीं समझेंगे, हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको आपस में चर्चा नहीं करेंगे, तो मौला के फरमान के मुताबिक कि हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पास्ट का, हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम खो देंगे, हम खो देंगे। क्यों? जिन जबानों में ज्ञान है आज हमारे यंगस्टर्स उन जबानों को नहीं जानते, नहीं जानते। अब थोड़ी बहुत गुजराती रह गई है और कुछ कम लोग हैं जो गुजराती हमारे यंगस्टर्स को आती होगी, बुजुर्ग की बात में अलग करते हैं। लेकिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन या आज के जो हमारे नौजवान है जबान को नहीं जानते। जब हमारे बच्चे जबान को नहीं जानते हैं तो इन्हें ये बताना तो रहा कि भाई हम इस मजहब में आए किस तरह, वो कौन सी चीज थी जो हमारे बाप दादा के दिलों को झंझोड़ के रख दी, वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा तरीका था जो पीरों ने अपनाया था। तो ये ज्ञान थी और ज्ञान में तो पीर फरमाते हैं कि ज्ञान माहे साहेब छे, ज्ञान माहे नूर छे, ज्ञान बोलो रे नित नूरे भरिया, ज्ञान माहे साहेब छे। अगर हमने इस वारसे को नहीं संभाला तो हम किसको खो देंगे? अगर गिनानों में मौला है, अगर गिनानों में मौला का नूर है तो हम किसको खो देंगे? तो गिनान हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, गिनान को समझना है और गिनान की लैंग्वेज को समझकर, गिनान के तर्जुमे को समझकर अपनी जिंदगी में गिनानों को उतारना है। हमारे पास दुनिया है, दुनिया हम बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन जब मौला हमको बैलेंस लाइफ का फरमान फरमाते हैं कि आपकी जिंदगी में बैलेंस रखो, एक तवाजुन रखो कि दुनिया भी आप हासिल करो, आप दीन भी हासिल करो, तो आज ये हम पर है कि हम दुनिया कितनी कमाते हैं, हम दीन कितना कमाते हैं, हम दुनिया में कितने आगे बढ़ते हैं, दीन में कितने आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी कोई दुकान है और अचानक कोई आके कह जाए कि भाई मुझे ये माल चाहिए, रात के अभी 12 बजे, मैं आराम से खा पी के सोने की तैयारी में हूँ, लेकिन मुझे कहे कि भाई सुबह मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी अभी ये माल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मेरी नींद कुर्बान करूँगी, मैं जाऊंगी दुकान खोलूंगी और इसको मैं माल दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी धंधा हो रहा है मेरा, तो मैं इसमें घाटे में पड़ना नहीं पसंद करूंगी, नहीं पसंद करूंगी। हमने कभी सोचा है कि हम दुनिया में किस तरह आए हैं, हम क्या लेकर आए, दुनिया में हम क्या कर रहे हैं और हम क्या लेके जाएंगे, कभी हमने सोचा है? मौला ने भी हमको फरमाया है कि कभी वक्त मिले तो आप सोचे आपकी असल क्या थी, आप कौन थे, आप कैसे आए, आप यहां क्या कर रहे हैं और किस तरह आपको दुनिया से जाना है, किस तरह जाना है दुनिया से, मौला हमको फरमाते। तो हमें क्या करना चाहिए दुनिया में? इसलिए हमको कहा गया है कि वणजारा, एक व्यापार करने वाला। जब खुदावन ताला ने हमको दुनिया में भेजा तो हम खुदावन ताला से ये जो दम लेते हैं, हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, ये सांस का सरमाया कैपिटल हम खुदा से लेकर आए। अब हमको पता नहीं है कि हम हर एक के पास कितना कैपिटल है, हम कितना जीने वाले हैं, लेकिन सैयदा इमाम बेगम ने बहुत अच्छी तरह हमको बता दिया है कि ए जी इतना जो फेरा फरियो मानखा, इसमें 35, 25, 16, 8 वार 84 फरियो, तूने सान न आवी रे। उस वक्त जो कुछ चलता था उसको पीर ने इस एजिटिस रख के हमको बताया है कि इतनी मर्तबा तू आया, इतना तूने जन्म लिया है, और अब फरमाते हैं कि इतना जो फेरा फरियो
मान खा जन्म धरियो और जो तू जन्म धरियो धरियो इसकी रब को कल पड़े। इतना तो तुझे पता है कि तू इतनी मर्तबा आया है, लेकिन इस तरह तू कितनी मर्तबा दुनिया में आया और चला गया है इसकी खबर तो सिर्फ परवरदिगार को है, रब को है। लेकिन इसके बाद बताते हैं कि तुझे क्या कहूँ मन मेरा, अपने मन को ही वो नसीहत करते हुए कहती है, मोमिनीन को कहती है, अपने मन को कहती है, तुझे क्या कहूँ मन मेरा, तुझे लाज ना आती है, मैं तेरे से क्या बात करूं, तुझे तो शर्म ही नहीं। ये इसका सिंपल तर्जुमा है। तुझे क्या कहूँ मन मेरा, तुझे लाज न आती है, हीरा रतन मोती सो क्यों गफलत में खोलता है। जब उस बुजुर्ग को पूछा गया क्या लाए, तो बोले मैं हीरा मोती माणिक लेकर आया हूं, बैठो चलो हम धंधा करते हैं, आपकी पोटली खोलो। गठड़ी खोला, किसकी गठड़ी खोला, गिनान की, कि जिसके अंदर हीरा मोती और माणिक भरे हुए थे। यहाँ पर हमको सैयदा इमाम बेगम बताती है कि हीरा रतन मोती सो क्यों गफलत में खोता है। जो सांस तुझे मिली है कुछ कमाने के लिए मिली है, हमारा बैंक बैलेंस स्ट्रोंग करने के लिए मिला है, तो तू दुनिया में आता है तू क्या कमाता है। 21,600 दम दिन में घटता है, 8 पोर में वणझारा तू क्या कमाता है। 21,600 आज साइंस ने प्रूफ करके बताया है कि एक दिन में एक नॉर्मल इंसान कितनी मर्तबा सांस लेता है। 21,600 दम दिन में घटता है, एक दिन में तू जितना कैपिटल लाया है इसमें से एक दिन में 21,600 दम निकल जाते हैं। 8 पोर में वणझारा तू क्या कमाता है। ये दिन रात की जो 24 घड़ियां है हमारी और 8 पहर है, गिनानों में आया है ने कि 6 घड़ी पाछली रहनी जानो। लोग कभी कभी पूछते ये घड़ियां क्या है, ये पहर क्या है। दिन में 64 घड़ियां है और एक घड़ी जो है तकरीबन 22.5 मिनट की। इसी तरह 8 पहर में इस 64 घड़ियों में 64 हम कहते हैं, ये 8 पहर में इसको डिवाइड किया है। तो हमको फरमाती है कि 8 पहर में वणजारा ऐ बिजनेस करने वाला इंसान तू क्या कमाता है, क्या कमाता है। जो दम जावे पीऊ बिना सो जानो मुर्दान, हमको पीर ने बताया है कि जो सांस मौला के नाम के बगैर जाती है वो मुर्दाल है। खुदावन ताला कुरान शरीफ में हमको फरमाता है, या अय्युहल लजीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन, ऐ ईमान लाने वालों मैं तुमको एक ऐसी तिजारत बताओ, एक ऐसा धंधा बताओ कि जिस धंधे से तुम्हें एक बड़ा अलीम यानी कि सख्त बड़ा परेशानी वाला बड़ी आफत आप कह सकते हैं ऐसी अजाब से मैं आपको नजात दिलाऊं। खुदा फरमाता है कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अजाबिन अलीम, एक खौफनाक अजाब से मैं तुमको नजात का रास्ता बताऊं। वो रास्ता क्या है, तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, उनके रास्ते में जिहाद करो, लड़ो। किस जिहाद से लड़ो, जो आज हमारे मुसलमान भाई लड़ते हैं और जिहाद के नाम को जो बदनाम किया है उस जिहाद से नहीं। खुदावन ताला की जिहाद क्या है, क्या है जिहाद, कभी हमने सोचा है कि हाजिर इमाम किस तरह की जिहाद कर रहे, हाजिर इमाम किस तरह की जिहाद कर रहे कभी हमने सोचा है। बरसों पहले की हमारी हिस्ट्री को हमने कभी देखा है। आज तो हम आलीशान जमात खाने में बैठते हैं, अच्छे में अच्छी जगह में, बहुत से हमारे बच्चे दुनिया के वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ाई करते हैं, वहां पर कमाते हैं, यहां भेजते हैं या वहां आबाद होते हैं। एक जमाना कैसा था, बहुत पुरानी बात भी नहीं,
ना हमारे पास एजुकेशन था, ना हमारे पास पैसे थे और ना हमारे पास तंदुरुस्ती थी। अगर हम किसी को ले या पुराने मैगजीन आप पढ़े, गुजराती जानते हैं हमारे पुराने इस्माइली निकलते थे वीकली, और इसमें मरण नोंद आप पढ़े, आपको पता चलेगा कि 20 साल 25 साल 35 साल की औरतें मर जाती है। भाई इनका रीजन क्या था? तो नबड़ाई या डिलीवरी में नबड़ाई, कोई हेल्थ का, कोई हमारे पास मैटरनिटी सेंटर नहीं था, क्योंकि जमात के पास पैसे नहीं थे कि जमात कुछ कर सके, एजुकेशन नहीं था, हमारे बाप दादा गरीब थे, खोजा उठाओ बोझा कहीं खोजाओ ने संबोधता, गोर कब्रस्तान में खोजाओ जाई ने खोदता, ये हमारी डेफिनेशन, ये हमारी आइडेंटिटी थी। और हमारी हिस्ट्री को हमें भूलना नहीं चाहिए, अगर हमने पास्ट को भूल गया तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इन छोटे बच्चों को बताओ कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, इनको बताने की जरूरत थी कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैही ने हमारे बीच में बैठकर हमको सिखाया कि तुम्हें कपड़े किस तरह पहनना चाहिए। आज बच्चों को हंसी आएगी ना कि क्या आपको पता नहीं था कि ब्रश किस तरह करना चाहिए, पैर के अंदर सॉक्स पहनने चाहिए या नहीं, जूते पहनने चाहिए या नहीं। लेकिन ये इमाम ने हमको तालीम दी, प्रैक्टिकली दुनियावी माँ बनकर इमाम ने हमको तालीम दी, क्योंकि हमारे पास कोई इल्म नहीं था, कोई इल्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। मौला की रहमत हुई, मेहरबानी हुई, आज दुनिया तरक्की करती गई, लेकिन किसकी वजह से, किसकी वजह से? ओढ़वान गोदड़ी न बेसवाने सादड़ी, आजे मोटर महल ने सिर पर सुनेरी पागड़ी, आंगणीय शोभती अंगूठियो हीरा जड़ी, कोना प्रताप छे बेसी विचारो बेगड़ी, साफ कही दऊं छू सबब खाना आबादना, हो जा तणी प्रगति थई प्रताप आगा खानना। मेजर लखपति जिसका अब्द तखल्लुस था और मेजर थे, प्रिंस अली शाह के साथ में हमेशा रहते थे, इनका राइट हैंड थे, मौला के साथ में मुसाफरी करते थे 48वें जामे में। खोजा की हिस्ट्री को ये 6 लाइन के अंदर बंद कर दी कि आज खोजे इतने ऊपर नजर आते हैं, कभी बैठ के 2 घड़ी बैठो सोचो किसकी वजह से हम ऊपर आए, क्या खुदा के रास्ते में हमने जिहाद किया। जिहाद का एक मतलब होता है स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, सतत मेहनत करना। जिहाद का एक मतलब यह भी होता है, क्या हमने जिहाद किया या हमारे लिए मौला ने जिहाद किया। मौला ने मेहनत की, रूहानी बच्चों को रास्ता बताया, रूहानी बच्चे ऊपर आते गए, तरक्की करते गए, आज इस मकाम पर पहुंचे मौला की मेहरबानी से। और आज दुनिया पूरी कहती है कि अगर इस्लाम को सही माना में समझा है तो सिर्फ नामदार आगा खान प्रिंस करीम एक ऐसा मुसलमान है जो इस्लाम को समझ सकता है। क्यों? वो भी जिहाद करता है। किस तरह जिहाद करता है? आज ओवरऑल कम्युनिटी को तो सही, दुनिया के 3rd वर्ल्ड कंट्रीज के लिए वो काम कर रहा है, गरीब बच्चों के लिए, इंसान के लिए वो काम करता है, इंसान जात जिसमें गरीबी है उनके लिए वो काम करता है। उसकी वजह से आज हमारी जमात में से गरीबी दूर हुई, आज हम एजुकेटेड हुए, आज हमारे पास कुछ माल आया कि हम अपने लिए खर्च करें, हम शेयर करें, हम गरीबों को मदद करें, हम दुनिया में आगे बढ़े। ये 3 मैदान है जिसमें मौला जिहाद करते आए, इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैही ने की, मौलाना हाजरी इमाम करते हैं और करते रहेंगे। हमें भी यही बताया गया है, हम हेल्थ, आप देखे बड़े बड़े हॉस्पिटल दुनिया के अंदर है जहां कोई नहीं पूछता है
हेल्थ सेंटर पहुंचता है मौलाना हाजर इमाम का, जमात की सेवा के लिए, जमात की तंदुरुस्ती के लिए। स्कूल बनाए गए कि कोई भी अनएजुकेटेड न रह जाए, और जो एजुकेशन लेता है, तंदुरुस्ती अच्छी है तो वो आगे बढ़ता है, पैसे कमाता है ताकि गरीबी दूर हो। ये तीनों मैदान में इमाम स्ट्रगल कर रहे हैं, इमाम जिहाद कर रहे हैं। तो खुदा भी हमको जो अपने रास्ते में जिहाद करने का फरमाता है, तो वो जिहाद क्या है? खुदा फरमाता है कि वह तुझा ही दू नफी सबीलिल्लाह, खुदा के रास्ते में जिहाद करो, स्ट्रगल करो, लड़ाई करो, जिद्दोजहद करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो, जो भी नाम आप ले ले, सख्त मेहनत करो। तो खुदा फरमाता है कि किस तरह करो, बी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम जालिकुम खैरुल इन कुंतुम तामलुन, तुम्हारे माल में से कुछ माल खर्च करके, तुम्हारी जान में से कुछ जान खर्च करके, यानी जमात की सेवा करके, माल है तो माल मौला के हुजूर में नजराना पेश करते हुए या शेयर करते हुए, हेल्प करते हुए। हमने कल दो जमात खाने में दसून के ऊपर वास किया है, इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो आप सुन लीजिएगा कि दसून हमारी दूसरी चैरिटी, दूसरा नजराना इससे अलग है। दसून के पैसे से हम खैरात नहीं कर सकते हैं, हम डोनेशन नहीं दे सकते हैं, दसून मौला का हक है। इसके बाद हमारे पास जो कुछ बचता है, गिनानों में दान और दसून दोनों का जिक्र आया है, दोनों का जिक्र आया है। तो हमको खुदा फरमाता है कि आप अपनी जान से, अपने माल से आप खुदा के रास्ते के अंदर जिहाद करो। और ये जो खुदा के रास्ते में जिहाद करना, मजहब पर ईमान लाकर और खुदा के रास्ते में ये जिहाद करना, खुदा फरमाता है कि ये सबसे बड़ी तिजारत है, यही सबसे बड़ी तिजारत है। इसलिए हमको बताया गया कि ये ही जुग हाट पाट बाजार करी जाओ, जो शुरू में पाठ में आपके सामने बोल गई। फिर सदर दिन रहमतुल्लाह अलैहि का गिनान है, और गिनान की जब बात निकली मैंने आपको बताया है, गिनान के अपने राग है जो बुजुर्गों ने दिए हुए है। मौला की मेहरबानी से मैं इस बात को यहाँ जाहिर करूँ, कभी आपको मौका मिले, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरीका बोर्ड भी ये काम करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान तरीका बोर्ड ने 750 गिनान जो भी अवेलेबल हमको मिले हैं, ये सारा रिकॉर्ड कर दिया है इनके रागों में, कि कोई ये न कहे कि इस गिनान का राग क्या है। और यहाँ हम बदले हुए रागों के पीछे न जाए, चूँकि वो बुजुर्गों के राग है जो बुजुर्गों ने हमको दिए हैं। और आपको याद होगा कि मौला का फरमान था कि गिनान सीखने हो तो जूनागढ़ से सीखो, तो ये जूनागढ़ के बुजुर्गों के राग है जिसको हमने टेप कर लिया है। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जमात में कभी भी आए या आप सुने तो हासिल करें उनमें से, और गिनान पढ़ने की कोशिश करें। तो ही जुग हाट पाट बाजार करी जाणो, अने सब जुग वण जण आया। ये दुनिया जो है वो एक बाजार है, और आप इस बाजार में एक धंधा करने के लिए आए हैं। व्यापारी है, वाणिया है, वाणिया यानी व्यापारी, आप बनिए हैं व्यापारी है, धंधा करने के लिए आए हैं। सारी जहान धंधा करने के लिए आए हैं। अगर आप कुछ धंधा कर सके, कुछ नफा हासिल कर सके तो कर लो, वरना तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपका इस दुनिया में आना बेकार हो जाएगा। तो ये दुनिया का धंधा है, और दुनिया के धंधा किस तरह करना, चूंकि हम चाहते भी हैं कि हम कभी मजहब के अंदर कमाएं, चलो हम जमात खाने में जाए, रेगुलर जाए, हम थोड़ी उम्मीद भी करते हैं कि हमें सुबह जाना चाहे, कभी शर्म भी आती है कि कभी कोई पूछ दे कि भाई आप सुबह जमात खाने आते हैं, तो थोड़ी सी शर्म आती है, क्योंकि जवाब नहीं होता है हमारे पास कि हम जवाब क्या दें, क्योंकि ये तो सारे बहाने हैं, ये तो सारे बहाने हैं कि मेरी दुकान है, मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जिसको अपनी रूह की पड़ी है इसके पास कोई बहाना नहीं होता है, उसके पास कोई बहाना नहीं होता है। और ये कंप्लीटली इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर, व्यक्तिगत रीते, जिसको हम गुजराती में कहते हैं, इमाम के साथ में हमारा लिंक है, इसलिए कोई हमको मार मचोड़ के नहीं कहेगा कि आपको जमात खाने में आना ही चाहिए। लेकिन हम अगर सही माना में तिजारत करना चाहते हैं, मौला से कुछ लेना और मौला को कुछ देना चाहते हैं, दीन और दुनिया में एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं, तो फिर हमें इस तरह की जिंदगी गुजारनी है जिस तरह का पीर ने बताया। वरना तो पीर बताते हैं कि आप दुनिया में आएंगे तो आपका खाली चक्कर होगा,
आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकेंगे, तो अपना भाणा दूर चुकाओ, गुरु का ज्ञान कमाओ। अपने ये बहाने और अपनी ये दुनिया की पसंद है, इसको दूर करो, इसको दूर करो, और जो पीर ने आपको ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाओ, अमल करो और कुछ कमाओ। कभी इंसान ख्वाहिश भी करता है, कभी सोचता भी है, क्या होता है? मौला ने फरमाया कि शैतान हमेशा आपके साथ में होता है, और कभी कभी शैतान आपको वर्गला देता है, किसी न किसी काम में आपको रोक देता है। तो हम कभी समझते कि शैतान क्या है, क्या ये इंसान है या हमारे फ्रेंड्स है, हमारे दोस्त है, हमारे माँ बाप है, जिनको हम शैतान कह सकते? नहीं। लेकिन सही माना में अगर इंसान असेसमेंट करे अपनी जात का, तो अपने अंदर शैतान बैठे, और वो भी एक नहीं, जिसको खुदा ने कुरान में शयातीन कहा है, प्लूरल ऑफ शैतान इज शयातीन, शैतान एक को कहते हैं, शयातीन बहुत सारे शैतान, बहुत सारे शैतान। तो हमारे पास बहुत सारे शैतान बैठे अपने वजूद के अंदर, वो क्या है? जिसको ज्ञान में पंजभू कहा है, पंजभू, तारे पुठी अड़े छे पांच, साच लो समर लेजो साथ। बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा आपको बेदारी करने के लिए मैं राग से बोलती हूँ, हालांकि मैं दरमियान में राग से गिनान नहीं पढ़ती हूँ। तारे पुठी अड़े छे पांच, भाई वे तारे पुठी अड़े छे पांच, साच लो समर ले जो साथ, जीरे मण जारा जी, ये पांच तेरे पीछे पड़े, और उसमें से बच के तुझे सच्चा समर, आखरत का तोहफा। समर कहते हैं फल को, भाता, जिसको कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो हम थोड़ा सा कोई भाता देते ना, अभी हमने नाम चेंज कर दिया है, भेंट सौगात कह देते, पहले मिठाई पकड़ाते थे, अभी सबको डायबिटिक की बीमारी आ है तो मिठाई छोड़ दी हमने, और छोड़नी चाहिए, बैलेंस डाइट तो होनी चाहिए ना हमारी। तो अभी हम गिफ्ट देते हैं, अच्छे में अच्छे तोहफे देते हैं, आखरत के लिए कोई तोहफा तैयार किया है? आखरत के लिए कोई तोहफा तैयार किया है? जाना है ना किसी के पास, जाते तो खाली हाथ जाते, जाते खाली हाथ नहीं जाते, हम दुनिया से खाली हाथ तो जाते हैं, दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलती, लेकिन फिर भी कुछ तो चलता है ना। क्या चलता है? केना रे छोरू ने केना वा छोरू, हरे केना माए ने बाप, अंत काले जऊ जीव ने एकलू, हारे साथे पुन ने पाप, है ना? पुन और पाप तो लेके जाएंगे ना, मोला को क्या देंगे, पुन देंगे या पाप देंगे, क्या देना है? क्योंकि मोला से ज्यादा अच्छा मेहमान तो हमारे पास कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, है दुनिया में। इमाम जमान से ज्यादा अच्छा मेहमान हमारे पास कोई है? हम हमारे दुनिया के दोस्तों को कुछ देते हैं, कहीं जाते तो कुछ लेके जाते हैं, जब दुनिया छोड़ेंगे और मौला की हुजूर में अपने आप को पेश करेंगे, क्या लेकर जाएंगे साथ में, क्या लेकर साथ में जाएंगे? पीरों ने गिनान में भी बताया है कि तू क्या तिजारत करके आया, जरा खोल दो तेरी घटड़ी में, देखो कि तू दुनिया में से मेरे लिए क्या लाया है। यह गिनानों में कितनी अच्छी मिसालें, कितनी अच्छी जबानें हैं, लेकिन ज्ञान में है कि तू क्या लेकर आया है, तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? साच लो समर ले जो साथ, सच्चा पाक समर तोशा तोहफा भेंट मोला के लिए लेकर जाना है। और ये सच्चा समर क्या है? हमारी पाकीजगी और हमारे नेक आमाल, जो सांस हमने अच्छाई में खर्च किए हैं वो हमारे लिए समर बन जाता है। 21,600 दम अगर हम एक दिन में फेंकते हैं, तो उसमें से जितने सांस
हमने खुदा को याद किए हैं और जितने सांस में हमने नेकी की है, चाहे धंधा किया तो नेकी से किया, किसी से बात की तो नेकी की, कहीं गिला गिबत हुई आगे जिक्र आएगा तो हमने अपनी जबान को टर्न कर दिया, बचा लिया अपने आप को तो नेकी हो गई। तो तेरे पीछे पांच है, ये पांच क्या है? चार पाड़ी ने तमे पांच ज वारो जो गिनान में आया है ने, एवी आछी आछी करणी कमाओ। ये चार पाड़ी सच सबूरी ईमान और जिक्र, कहीं कहीं पांच अच्छाई का जिक्र है, जब पांच अच्छाई आ जाती तो सच सबूरी खमिया ईमान और जिक्र, जहां चार का जिक्र है तो सच सबूरी, क्योंकि खमिया सबर में आ जाता है, ईमान और जिक्र, ये चार अच्छे काम हमको करने हैं। पांच काम क्रोध लोभ मोह और मद, ये पांच बड़े में बड़े शैतान जो हमारे अंदर बैठे, ये पांच बड़े शैतान हैं जो हर इंसान के अंदर बैठे हैं, और उनके ऊपर काबू करने के पांच वर्ष करी, पंजबू वर्ष करी, पांच के ऊपर आप कंट्रोल करें, ये सारी जो चीजें हैं पीरों ने हमको ज्ञान में बताई है, ये हमारे काम क्रोध जो हमारे नफसानी ख्वाहिशात है, दुनियावी इच्छाएं हैं कि जो दुनिया के पीछे भागते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, दुनिया में एक अटैचमेंट आ जाता है, फैमिली का अटैचमेंट आ जाता है, दुनिया पर फरेब भी आ जाती है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाती है, और जब सारी चीजें हमारे पास आ जाती है तो सबके ऊपर एक बड़ा सरदार जो दुनिया का बैठा है वो अभिमान, मत, अहंकार, जिसको गिनान में कहा है कि ये पांच बड़े बड़े शैतान जिसके अंदर बैठे हो और वो पांच हमेशा उसी की बात मानते हो तो वो आगे चल सकता है? कभी चल सकता है? तो हम स्ट्रगल करना चाहते हैं, जिद्दोजहद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो नफसानी ख्वाहिशात है, दुनियावी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमको इतना कंट्रोल करती है कि हम असल जो हमारी तिजारत है, जो हमारी रूहानी तिजारत इसको कह सकते हैं, जो दीन का धंधा है, इससे हम दूर हो जाते हैं, इससे हम दूर हो जाते हैं। तो हमें सही माना में जब गिनान में वणजारा कहा गया है, हट खोली व्यापारी जो आया, गिनान के अंदर बताया, और यही जो मैंने आपको खुलासा बताया कि आपस में बुजुर्ग बात करते हैं, क्या लेकर आए हो? गठड़ी लाए हैं, खोलो गठड़ी। तो कहते हम हीरे जवेर लेकर आए हैं, जरा खोल के तो दिखाओ। तो शुरू कर दिया, दूर देश थी आयो वणजारो, शामिल सौदा कीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, कहाँ से? किसी और गांव से नहीं, किसी और गांव से नहीं, खुदा वंताला के नूर से आया हूँ। अब दुनिया में मौला के नूर के साथ में मिलकर और मुझे व्यापार करना है। शामिल सौदा कीजिए, दूर देश थी आयो वणजारो, शामिल सौदा कीजिए, बहुत दूर से आया हूँ मौला के साथ मिलकर और मुझे धंधा करना है। धंधा क्या करना है? सूते बैठे राह चलनते नाम साहेब जी को लीजिए, जो हमारे दम है। मौला ने फरमाया कि जब कभी भी आपके ऊपर कोई तकलीफ हो, अभी लास्ट ईयर दुबई का फरमान मौला ने वहाँ हाई प्रोफाइल जमाने का जमात खाने का इस्माइली सेंटर के जब बुनियाद रखी तो मौला ने वहाँ जमात को दीदार दिया और जमात को फरमाया कभी तकलीफ आए तो क्या करे? या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली। सोते बैठे राह चलनते नाम साहेब जी को लीजिए। अल्लज़ीन यस्कुरून अल्लाह कियामो खड़े है कूदो बैठे हैं, किया मऊआ कूदो अला जुनूबिहिम, वो लेते हुए हैं और सुते बैठे राह चलनते पीर बताते हैं। खुदा फरमाता है कि जो खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन खुदा को याद करते हैं। लजीन यस्कुरुन अल्लाह, खुदा को याद करते हैं, किया मऊ कूदो वो अला जुनूबिहिम, वो लेटे हुए वो खुदा को याद करते हैं। ये ऐसे मोमिन है कि पीर फरमाते के तेनु पिंड चाले मृत्यु लोक मा पण सुरती आकाशे जाए, वो जमीन पर चलते हैं
लेकिन इसका ख्याल हमेशा मौला में होता है। और जिसका ख्याल हमेशा मौला में होता है वो क्या करते हैं? गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, नहीं करेंगे, वो बचेंगे। क्योंकि हर वक्त जो मौला के ख्याल में रहता है तो मौला का नूर इसको गाइड करेगा, इसको गाइडेंस देगा, इसको प्रॉपर डायरेक्शन देगा। और जो मौला को सुते बैठे चलते हाथ विच काम मुख विच नाम हर दम सामी राजो संभारिए, पीरों ने बताया कि काम चाहे कुछ भी करो, हाथ विच काम आपके दोनों हाथ काम में बिजी है, मुख विच नाम आपके मुंह को किसने रोका है, मुंह में मौला का नाम हो हर दम सामी राजो संभारिए, भला ऐसा इंसान कभी कोई गुनाह का काम कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सूते बैठे राह चलनते नाम साहेब जी को लीजिए, ये इसकी मिसाल देते हैं। जो गठड़ी खोले है ना ज्ञान की, इसकी एक एक एग्जाम्पल हमको देते जा रहे हैं। जो घर होवे भाई वस्त प्यारी, इसका तीसरा पाठ है। जो घर होवे भाई वस्त प्यारी सो नाम साहेब जी को दीजिए, लन तनानुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन। खुदा फरमाता है आप उस वक्त तक नेकी को नहीं पोस सकते जब तक आप प्यारे में प्यारी चीज कुर्बान नहीं करते। उस वक्त तक नेकी को नहीं पोसते जब तक आप प्यारे में प्यारी चीज कुर्बान नहीं करते। नहीं कुछ दियाना सो नहीं कुछ लियाना। हम चाहते हैं ना कि हम दीन में तरक्की करें, हम दुनिया में तरक्की करें, तो दीन में तरक्की करने के लिए कुछ सांस देनी पड़ती है, कुछ टाइम देना पड़ता है। दुनिया में तरक्की करने के लिए मौला के रास्ते में खर्च करना पड़ता है, जो जिहाद है, जो तिजारत है, जो सही माना में तिजारत है। वो कौम जिसने मौला के रास्ते में तन मन धन से खर्च किया है, और हमारे बाप दादा जो मौला को देते रहे हैं, आज दिन तक कोई ऐसा इस्माइली आपको मिला जो ये कहे कि मौला के रास्ते में देते 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 हम पायमाल हो गए? कोई आपको मिलेगा ऐसा? बल्कि वो कहते हैं कि आज अगर हम किसी मकाम पर पहुंचे हैं तो ये रास्ता है हमारे मजहब में जो हमने मौला के रास्ते में खर्च किया है, आज इसकी बरकत है हमारे पास, आज इसकी बरकत है। स्वामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार, एक वार स्वामी ने आलिए तो स्वामी आले सो सो वार। एक मर्तबा देके तो देखो, हाथ खुला रखेंगे तो खुले हाथ में माल भी ज्यादा आएगा ना, लेकिन हम कंजूसी से देंगे तो देने वाला देगा आपको। वो प्रैक्टिस करनी हो तो देखो, कभी हाथ बंद रख के ही दान करो, कभी कोई आपको भी देगा तो आपका हाथ नहीं खुलेगा, क्योंकि बंद हाथ रखने की आदत पड़ गई ना, आप लेंगे भी इसी तरह, आप लेंगे भी इसी तरह। तो दियो रे दियो मोमन साहेब देता को देवे, दियो रे दियो। हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है कि इस रास्ते में किस तरह खर्च करना, और इस रास्ते में जिन्होंने खर्च किया है वो कितने आबाद हुए हैं, किस तरह आबाद हुए हैं, इसकी भी मिसाल आप इस्लाम की भी बात ले लें कि इस्लाम के जो बड़े बड़े सहाबी थे, जब जंगे तबुक, तबुक नाम की एक जंग बैटल होने वाली थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और माल गनीमत के लिए जंग लड़ने के लिए माल की ज़रूरत पड़ती है, माल लड़ाई का माल खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे की ज़रूरत है, माल की ज़रूरत है, तो ऐलान किया कि आप सब कुछ ले आओ और हम इसको माल यूज़ करें लड़ाई के लिए। तो इस्लाम का एक सबसे बड़ा सहाबी, आज पूरी इस्लामिक वर्ल्ड इसको मानती है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, सबसे बड़ा सहाबा वो आया, और आके ने रसूल सल्लम के हुजूर में पेश किया। क्या रखा? रसूल सल्लम ने पूछा कि आप क्या लाए और क्या रखे हैं? अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, आधा माल घर में रखा हूं अपने लिए
जो कुछ भी था आधा घर में रखा हूं और आधा में खुदा के रास्ते के लिए ले आया हूं। दूसरा इससे बड़ा सहाबा, इसको पूछा गया, आप क्या लेकर आए हैं? अर्ज करता है कि अल्लाह और रसूल का नाम पीछे छोड़ा है, बाकी जो कुछ भी दिया था सब लेकर आया। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, आप इसको क्या कहेंगे, पागल कहेंगे? इस नाम के इतने बड़े सहाबे को हम क्या कहेंगे, पागल कहेंगे कि जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ सौंप दिया, और इसको पता था कि ये आया कहां से है, और इसको ये भी पता था कि ये जाएगा कहां से। इसलिए खुदा फरमाता है कि ये अच्छे में अच्छी तिजारत है, अच्छे में अच्छा धंधा है कि आप खुदा के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि खुदा कभी किसी का बोझ अपने ऊपर नहीं रखता, वो रिटर्न करता है। और खुदा का रिटर्न करना और अपने रिटर्न करने में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे कोई गिफ्ट देगा तो मैं इसके रिटर्न में क्या गिफ्ट दूंगी, या उसके बराबर दूंगी मेरी ताकत होगी तो, और अगर इससे ज्यादा ताकतवर हूं तो थोड़ी सी अच्छी तोहफा दे दूंगी, ताकत नहीं होगी तो कम दूंगी। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता है, खुदा ऐसा नहीं करता है। खुदा बहुत बड़ा सवाब देता है, बहुत बड़ा सवाब देता है, हमारे ख्याल में भी नहीं आएगा, क्योंकि खुदा कभी किसी का बोझ अपने ऊपर नहीं रखता है, और खुदा इस चीज को मल्टीपल करके देता है, मल्टीपल करके देता है। और यही चीज हमारे बुजुर्गों ने सीखी, मौला के रास्ते में दी, और जब सिल्वर जुबली का टाइम आया, पूरी दुनिया की मौलाना हाजर इमाम ने विजिट फरमाई, और इतने इतने काम करने के बाद मौला ने जब डोनर्स को मुलाकात दी तो मौला ने फरमाया कि आज जो कुछ भी आपने दिया है इससे इमामत के हाथ मजबूत हुए हैं। मौला ने फरमाया कि हम 100 times आपको रिटर्न करते, जैसे कि कुरान में भी फरमाया है, मौला ने कोट किया कि जैसे खुदा भी कुरान में फरमाता है कि खुदा किसी का भार नहीं रखता, किसी का भार नहीं रखता। तो हाथ खोल के खर्च करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, और जो खोल के खर्च करता है इतना खुलता है कि जो खुदा की रहमतें आती है, नवाजिशात आती है, तो उसके लेने के लिए जगह बन जाती है। तो जगह तो करनी है ना, थोड़ी सी थोड़ी हमको जगह करनी है। तो बताते हैं कि जो घर होवे भाई वस्त प्यारी, सो नाम साहेब जी को दीजिए जी, वो मौला के नाम दे दे। एक कण नाम साहेब जी को दीजिए तो पलत्र 1.25 लाख लीजिए। जो बात मैंने की इसका जवाब आपको इस पाठ में मिल गया ना, कि एक कण नाम साहेब जी को दीजिए तो पलत्र 1.25 लाख लीजिए। पलत्र हलत्र कहते हैं इस दुनिया को। मैं युरिद सवाबत दुनिया नूती ही मिनहा, खुदा फरमाता है इस दुनिया को कहते हैं गिनानों के लैंग्वेज में हलत्र। खुदा फरमाता है कि जो इस दुनिया का बदला चाहता है, जो चाहता है मैं इधर दूं मुझे इधर मिल जाए, वह मैं युरिद सवाबत दुनिया, जो दुनिया का सवाब चाहता है, नूती ही मिनहा, हम इनको दुनिया में से सवाब दे देते, क्योंकि वो चाहता है ना कि दुनिया में आबाद रहे, हम इसको दे देते। वह मैं युरिद सवाबल आखिरा नूती ही मिनहा, जो कहते हैं कि या मौला हमको दुनिया में नहीं, जो कुछ खर्च करते हमको आखिरत में दे, तो खुदा कहता है हम इसको आखिरत में दे देते। लेकिन वो ये तो उनको देता है ना कि जो दुनिया मांगता है और जो आखिरत मांगता है। कितना अच्छा पीर ने अपने को ज्ञान में बताया कि पदमणि तो पलत्र मांगे। 4 किस्म की औरतों का जिक्र किया है, सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, दुनिया में इंसान जात जो भी काम करते हैं, जो अमाल करते हैं, उनकी आदतों के हिसाब से इंसान को 4 किस्म में, 4 किस्म की कैटेगरी में तकसीम किया है। तो हिंदू मिथ के मुताबिक या हमारी जो डिक्शनरी है हिंदुस्तानी जो भी आप ले ले, तो इसमें आप देखेंगे तो औरतों को 4 किस्म की जात में तकसीम किया है, पदमणी, हस्तणी, चेतणी और संखणी, उसकी उसकी आदत के मुताबिक। क्योंकि मौका नहीं है, मैं अपने टॉपिक से बाहर चली जाऊंगी, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। पदमणी सबसे अच्छी औरत को, जो हर तरह से अच्छी, हर तरह से अच्छी, मीठा बोले और हर तरह से अच्छी, लोग इसके एग्जिस्टेंस को पसंद करें, आके बैठे तो लोग बोले अच्छी है। इसके बाद में फिर 3 औरतें हैं, वो एक एक दर्जा नीचे चली जाती है। तो यहाँ जो दुनिया का सब
रूह के लिए अच्छा है, यानी पलत्र उस दुनिया के लिए मुझे जो कुछ भी देना हो वो देवे, तो वहां मांगती है। हलत्र मांगे हस्तणी, जो दूसरे दर्जे की है वो हलत्र यानी इस दुनिया का स्वाद चाहती है, जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पेश की कि दुनिया चाहते हैं तो इनको दुनिया मिल जाती है, आखरत चाहते हैं इनको आखरत मिल जाती है। चेतनी तो माल मांगे, भाई माल देती हूँ मुझे अभी अभी माल चाहिए, नहीं तो मैं देना बंद करूं। तो ये तीसरे कैटेगरी है। और चौथी है पेट भरे संखणी, इसको किसी की नहीं पड़ी है, न अपने माल को कभी शेयर करती है, न किसी को देती है, कंजूसी सी रहती है, न खुद खाती है, और कभी खाना हो तो अपना पेट भरती लेकिन किसी का ख्याल नहीं करती। तो ये हमारी सिफत नहीं है, हमारी सिफत है पदमणि तो पलत्र मांगे। और खुदा इससे भी ऊपर जाता है, खुदा कहता है कि जो दुनिया चाहता है उसको तो दुनिया में से देता हूँ, जो कहता है कि दुनिया में नहीं मुझे आखिरत में इसका सवाब मिल जाए तो मैं इसको आखरत में देता हूँ। लेकिन सनजदि शाकिरिन, जो शुक्र करते हैं कि आवे तो रोजी नहीं तो रोजा, या मौला दिया तो भी तेरी मेहरबानी, नहीं दिया तो भी तेरी मेहरबानी, इतना देता है ना, अगर एक दिन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पास थोड़ा हमको ट्रिम करने की भी तो जरूरत रहती ना, हमारे बदन को कभी कभी डाइट करने की भी थोड़ी थोड़ी जरूरत रहती है ना, तो ये कुदरती डाइट हो जाएगी अगर नहीं मिला तो। तो हमको तो ये कहा गया कि आवे तो रोजी नहीं तो रोजा। खुदा कहता है कि जो दुनिया में इस तरह नेकी से रहता है, हर हाल में शुक्र और सबर से चलता है, इसको तो हम बहुत बड़ा अजर देते हैं, बहुत बड़ा बदला देते हैं। वो मांगता नहीं है तो भी देते हैं, इस दुनिया में भी उस दुनिया में। हम सुबह की हमारी चार तस्वीर पढ़ते हैं ना, इसमें एक तस्वीर आती या वहाब, या वहाब क्या मतलब है, या वहाब का क्या मतलब है? एक छोटा बच्चा है ना, इसको नहीं पता चलता है कि इसकी जरूरत क्या है, माँ को पता चलता है बच्चे को चाहिए या नहीं चाहिए। माँ को पता है कि बच्चे को अभी इस वक्त जरूरत है, इसको स्कूल में दाखिल करने की जरूरत है, बच्चे को नहलाने की जरूरत है, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने की जरूरत है, बच्चे को खाना खाना है, इसकी जरूरत है। तो माँ बच्चे को मांगे बगैर देती है ना, देती है, बहुत देने वाली। अल्लाह इससे भी बड़ा है, मौला की जात इससे भी बड़ी है। या वहाब जो हम कहते हैं, प्लेंटी ऑफ गिविंग, इतना देता है हमारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होता है, इतनी हम पर बारिश आती है लेकिन आंखें खुली हो तो दिखे ना, दिल खुला हो तो दिखे ना हमको कि हमको कितना मिलता है, हम कहाँ थे, हम कहाँ जा रहे हैं। मौला की रहमत के बगैर हो रहा है, उसकी रहमत के बगैर हो रहे हैं। तो वो तो हमको बहुत देता है, लेकिन देने से पहले थोड़ा सा तो कुछ दो। एक छोटा बच्चा भी कुछ नहीं दे सकता तो अपने वालिदैन को प्यार तो देता है, अपनी काली घनी बातें तो करता है, अपनी जबान से अपने वालिदैन को, अपनी हंसी से अपने वालिदैन को खुश करता है। और कुछ छोटा बच्चा नहीं दे सकता है, लेकिन अपने नखरे से, अपने प्यार से वो माँ बाप को कितना देकर जाता है। तो हम खुदा के हाथ में ये नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह नहीं है, कुछ तो दो खुदा को, कुछ तो हम दे, अगर हम देंगे तो हम लेंगे ना। तो खुदा के पास खुदा रखता नहीं है, एक कण नाम साहिब जी को दीजिए तो पलत्र 1,25,000 लीजिए, बहुत सारा सवाब हमको देता है। लेकिन इतना सारा बयान करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि अंधेले को चंदर यारा नजर ना आवे, कहना तो है ना पतिया। आसमान में चांद है, हम किसी माफी के साथ में कि कोई अंधा आदमी है और इसको हम कहे कि भाई देखना चांद कितना अच्छा है, वो कहेगा भाई दिखता नहीं, कहाँ है चांद तो दिखा मुझे, अभी आंखें ही नहीं है तो चांद कहां से दिखेगा, आंखें नहीं है तो चांद कहां से दिखेगा। और आंखें होने पर भी जिसके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, शनाख्त नहीं है, मजहब की पहचान नहीं है, वो अंधे के बराबर नहीं है? पीरों ने ऐसे लोगों को अंधा कहा है, पीरों ने ऐसे लोगों को अंधा कहा है। मन कान फी हाजी ही आमा, खुदा कुरान में फरमाता है
जो इस दुनिया में मन कान फी हाजी ही आमा, जो यहाँ अंधा है वो फिल आखिरत ही आमा, वो आखिरत में भी अंधा है। यहाँ ही शनाख्त नहीं है, पहचान नहीं है, तो वहां कैसे पहचानेंगे, वहां कैसे पहचानेंगे, वहां कैसे पता चलेगा। वहां तो खाता खोलने का दिन है, जो कुछ किया है इसका रिवॉर्ड मिलना है, हमको सजा और जजा मिलनी। वहां तो कोई कमाने का रास्ता नहीं, वहां कोई देखने का रास्ता नहीं। हम ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा तो हमको टाइम दे दे ताकि हम कुछ अपने लिए कमा ले, वहां हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो खुदा भी फरमाता है कि जो यहाँ अंधा है वहां अंधा है, कि इतनी इल्म ज्ञान की हम बातें की है लेकिन जो अंधा है उसको चांद नजर नहीं आता। बताएंगे ना फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आंखें ही नहीं है। तो जिसके पास जहालत है, अंधेरा है, जो यानी के अनपढ़ हम कह सकते हैं इस मामले में, कि जिसको मजहब की शनाख्त नहीं है, आंखें तो है लेकिन फिर भी वो अंधे है, तो ऐसे लोगों को चांद का कुछ पता नहीं चलता है। बाद में कुछ नसीहत की है, जो हीरे माणिक और जवेरात है, जैसे मौला ने फरमाया कि आप जो नेक अमाल करते हैं ये हीरे और माणिक है। दिछड़ा दोष भाई किसको न दीजिए, तो अण दिथा क्यों कर दीजिए। किसको हमने देखा है ना कि कोई गलत काम कर रहा है फिर भी मत कहो, तो सुना हुआ कैसे कहे, सुना हुआ कैसे कहे। आपको पता है हम कभी सुनते हैं चाइनीज विस्परिंग गेम हम जो बचपन में खेलते थे, और अभी भी मैं कभी ये बात कहीं बयान करती हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन आप क्योंकि यहाँ इस कंट्री में रहते हैं बड़ी आसानी से समझेंगे। जब हम छोटे थे तभी एक मरतबा गेम खेल रहे थे, चाइनीज विस्परिंग गेम। अचानक ख्याल आया तो हमने किसी एक लड़की के कान में, जो सर्कल में बैठते हैं, तो बाजू वाले के कान में कहा, मसाला डोसा आपके पास ये एक डिश है ना, खाने की एक चटपटी सी चीज है मसाला डोसा। अब उस वक्त मसाला डोसा जल्दी से किसी की समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक बार बोलना वापस बोलना नहीं। तो वो फिरता 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 जब सर्कल पूरा हुआ तो आखिरी जो बच्ची थी, इसने मैं खुद भी बच्ची थी, मैं उस वक्त की बात करती हूँ, मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ तो मैं उस वक्त की बात करती हूँ, कि उसने आखिरी जो लड़की थी उसने ऐलान कर दिया कि मस्ती वाला डोसा। आप देखे वो मसाला डोसा बेचारा सुनते सुनते क्या बन गया, क्योंकि वापस पूछना नहीं था कि क्या बोला, सिर्फ एक मरतबा कान में बोला, सुना मैंने, नेक्स्ट को कहा, इसने नेक्स्ट को कहा, इसने नेक्स्ट को कहा, और आखिरी ऐलान करता है कि भाई क्या पहला वर्ड था, तो मसाला डोसा बोलता 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 वो बेचारा मस्ती वाला डोसा बन गया। तो आप देखे कि वर्ड कहां से कहां बन जाते हैं। क्या हमें पता है कि हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं तो पहले तो हमारे कान पर भरोसा है कि हम सही सुनते हैं, सही सुनते हैं। अगर सही सुनते तो दुनिया में इतने रूमर्स होते, इतनी अफवाहें होती, इतनी उल्टी सीधी बातें होती, पहले तो हमारे कान ही कच्चे, हमारे कान ही कच्चे, क्योंकि हम सही सुनते नहीं। तो पहले तो हम सही सुनते नहीं है, जब सही सुनते नहीं है तो सही बोलेंगे कैसे, सही बोलेंगे कैसे। कभी कभी आंखें भी गलत देखती है ना, इसीलिए हमको लॉजिक में भी बताया है ना कि कहीं दूर चले जाओ, अचानक एक बड़ा सा कोई वो दोरा पड़ा हुआ है, दोरा जिसको कहते हैं, रस्सी पड़ी हुई है और थोड़ा सा धुंधला है, तो हमको क्या लगेगा, सांप लगेगा। तो आंखें भी तो धोखा खाती है ना हमारी। तो दिथड़ा दोष यारा किसी को न दीजिए, तो अण दिथा क्यों कर दीजिए। देखा ही नहीं है तो किसी के लिए कोई गलत बात क्यों करते हो। अगर करनी है तो अच्छी बात करो ना, अच्छी बात अगर गलत भी होगी तो खराब नहीं है। हमने किसी को नीचे तो नहीं उतारा, किसी की तारीफ की, तो किसी के लिए अगर दो अच्छी बात कर दी तो कितना अच्छा है। हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारी जबान नेक रही, हमारी आंखें नेक रही, हमारा कान नेक रहा, हम सर तपा नेक रहे, और सबसे बड़ी हमारी रूह बच गई और हमारे खाते में एक बैलेंस में एक नेकी जमा हो गई कि हमने एक अच्छा काम किया। तो जिसको हमने देखा नहीं है उसके लिए हम गलत बात कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में बताया कि पर निंदा भाई जगत खुवारे, सिर पांव नरगे पड़े। इमाम का फरमान याद है ना, मौलाना इमामा का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि का, चांदरात मंडली की जो बुनियाद डाली और इसमें हमको कुछ उसूल दिए, इसमें एक जो उसूल है, किसी भी दिन भाई या दूसरे दिन की घीला गिबत नहीं करना है ना। मौला ने ये भी फरमाया है ना
कि गिबत, निंदा, गोसिप, बिग बाइट ये एक ऐसा गुना है जिसको खुदा माफ नहीं करता। खुदा माफ नहीं करता। क्या तरीका है? आज मैंने किसी की निंदा की, गिला की, गिबत की, उसके पास जाऊं, मैंने रियलाइज किया मैंने सही नहीं किया है, तरीका क्या है? उसके पास जाऊं, हाथ मिलाऊं और मैं कहूं कि भाई मैंने फलाने फलाने लोगों के पास तेरी बात की है, मुझे माफ कर। है मेरे में इतनी ताकत कि मैं जाऊं? मुझे भरोसा है वो माफ करे मुझे। बहुत अच्छी मिसाल है, शायद आपने सुनी भी हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि कभी कुछ अच्छी बातें होती है तो हर कोई बयान करता है, लेकिन अच्छी चीज है। एक पादरी के पास एक मर्तबा एक शख्स गया भागता भागता, मैंने तेरे लिए बहुत बुरी बुरी बातें की है, अभी मैं रिपेंट करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं, कैसे माफ हो? पादरी ने इसको बोला, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है? तुझा घर पे रुई का, कपास का एक तकिया लेकर आ, पिलो लेकर आ, फिर बस हाँ मेरे पास। भागता भागता गया, आया, चलो भाई एक तकिया लाने की बात है ना, अभी क्या है। तकिया लेकर आया, अभी बोले इसको चौराहा जहां चार रास्ते मिलते हैं ना, उसके बीचों बीच जा, चौराहे के बीच में जा, उस तकिए को काट और उसकी रुई को हवा में उड़ा दे, बस इतना काम है, लेकिन फिर मेरे पास वापस आना। बोले ठीक है। भागता भागता गया, चार रास्ते के ऊपर तकिए को काटा, उसकी रुई को उड़ा दिया, उड़ा दिया, स्प्रेड हो गई रुई। कपास को यहां वहां जाने में कभी कभी हम गदेला, वो पिंजारा आता है ना, पूरी बिल्डिंग को भर देता है ना, कितनी तकलीफ होती है, कहां कहां रुई घुस जाती, कान के अंदर, नाक के अंदर, सब साफ करना पड़ता है, कहां कहां चली जाती, कितनी तकलीफ होती। तो वो रुई उड़ गई यहां वहां, आया वापस भागता भागता कि पादरी अभी मैं क्या करूं? बोले बहुत आसान काम है, क्या करना है, जो फेदर्स, जो रुई तूने उड़ा दी है ना, अभी इसको कलेक्ट कर, अभी इसको जमा कर। बोले ये कैसे पॉसिबल है? बोले पॉसिबल नहीं है ना, तो किसी की निंदा करता है ना वो ऐसा तो है ना, ऐसा है ना, क्योंकि इंसान जल्दी से कोई अच्छी बात नहीं फैलाता है, क्योंकि इंसान को अच्छा नहीं लगता है, इंसान सबसे अच्छा अपने आप को समझता है, सबसे अच्छा इंसान अपने आप को समझता है, भले वो खुद कैसा भी है, देखने में कैसा है, आमाल में कैसा है, लेकिन वो समझता है देखने में भी मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, मेरे से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, आमाल में मैं सबसे अच्छा, मेरी तारीफ और कुछ नहीं, माई वे और नो, मैं सबसे अच्छा। तो इंसान कभी भी अपने आप से अच्छा कभी किसी को तस्लीम नहीं करता है, लेकिन कभी जरा सी किसी की बुराई मिल गई ना तो उसको नीचे उतारने की हम ये कोशिश करते हैं फौरन, जल्दी से जल्दी, कहां मौका मिलता है, अगर किसी जगह पे नहीं जाते तो वहां जल्दी से पहुंच जाते, भाई आज कैसे आए, तुमने सुना फलाने के बारे में, सुनने सर, अरे अरे इसने ऐसा काम कर दिया, कैसा खराब काम किया है ना, अपनी तरफ से हमने जजमेंट दे दिया, सीधा जजमेंट दे दिया। अच्छा, वो एक को हमने सुनाया, एक ने दस को सुनाया, दस ने सौ को सुनाया, सौ ने हजार को सुनाया, रूमर्स हो गए, अफवाह हो गई, गिला गिबत फैल गई, उसी तरह जिस तरह तकिया काटा और रुई को उड़ा दी। अभी हम कहते हैं हम कलेक्ट करने जावे वो रुई के एक 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 पीस को, कभी कलेक्ट होता है नहीं, कितना बड़ा गुना है ये। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि निंदा करते हो ना वो खुदा माफ नहीं करता है, और कुरान की आयत बड़ी, यानी कि ऐसी आयत है, लगता है कुरान में कहीं पर भी खुदा इतना नाराज नहीं हुआ है, कहीं इतना नाराज नहीं हुआ है। ला यक्तब बाजुकुम बाजा, कोई किसी की गिला गिबत नहीं करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा, अहदुकुम याकुल लहम अखी मैता। खुदा पूछता है हमको, और गौर से सुनना इस आयत को, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि तुम्हारे मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, तुम्हारे मरे हुए भाई का मांस खाओ नोश के। कैसा लगता है सुनने में? ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है।
क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि तुम्हारे मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? लव करे तुम, तुमको नफरत होगी ऐसे काम से। सुनने से भी कुछ होता है ना, तो हम रोज क्या करते, दिन में कितनी मर्तबा मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं? कभी सोचा है अपने लिए, कभी सोचा है? कोशिश करें जहां ऐसी बात होती है तो उससे अपना ध्यान डाइवर्ट कर ले, जो बात करने के लिए आया है ध्यान डाइवर्ट कर ले। कुछ नहीं तो पॉजिटिवली इतना तो बोल देते कि भाई ऐसे भी दुनिया बिजी है, धर्म करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, धर्म करने के लिए टाइम नहीं, चलो थोड़ा सा हम कुछ मौला का नाम ही ले ले। हम थोड़ा सा तो कह सकते ना, पीरों ने जब ये कहा ना कि निंदा थाए त्याती उठी ने जाइए, लोग बोलते सामने वाला आके बात करता हो तो ये तो इंसल्ट है, कैसे उठ के जाए, कैसे उठ के जाए। सोक्रेटिस का एक फ्रेंड था, ये मिसाल बहुत ही अच्छी है, आपको काम आएगी क्योंकि छोटे बच्चे भी बैठे हैं अभी से बात को सीखेंगे। तो सोक्रेटिस का एक दोस्त था और सोक्रेटिस को तो हर कोई जानता है, बहुत माना हुआ है। एक मर्तबा इसके पास आया, इसके पास आकर इसको कहता है कि तेरे एक दोस्त ने तेरे लिए कुछ बातें की, मैं तुझे करना चाहता हूं। तो सोक्रेटिस ने कहा ठहर जा, ठहर जा, तू बात जो मुझे करने आया इसके पहले मैं तेरा तीन टेस्ट चाहता हूं, तीन फिल्टर टेस्ट, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। फिल्टर पता है ना किसको कहते हैं, पानी बानी वगैरह जो हम फिल्टर करते, ठीक है ना, प्योर करते पानी को, ठीक है, या किसी भी चीज को फिल्टर करना, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। पहले मैं तेरा टेस्ट ले लूं, उस टेस्ट में अगर तू कामयाब होता है तो फिर मुझे तू मेरी ये बात सुनाना मेरे दोस्त के बारे में। तो कहता है कि जो सबसे पहला टेस्ट है ट्रिपल टेस्ट में, वो है ट्रूथ। जो बात तू मुझे कहता है वो सच्ची है, सच्ची है। जो बात तू मुझे करता है वो सच्ची है, बोला वो तो मुझे पता नहीं है। तो पहले जो टेस्ट है, जो ट्रूथ का टेस्ट है, फिल्टर टेस्ट का, उसमें तो तू फेल हो गया क्योंकि तुझे पता नहीं। अब दूसरे जो टेस्ट है मैं तेरा लेना चाहता हूं, और दूसरे टेस्ट में इसने बताया कि जो बात तू मुझे कहने जाता है वो गुड, अच्छी है। जो बात तू मुझे कहने जाता वो अच्छी है, कहता है अच्छी तो नहीं है। तो फिर दूसरे टेस्ट में भी तू फेल हो गया। अभी तीसरा टेस्ट है कि जो बात तू मुझे कहने जाता था वो सही है, वो तुझे पता नहीं है। वो अच्छी है, वो तुझे पता नहीं है। अब जो तू मुझे करने चाहता है उसमें मेरा कोई फायदा है, यूजफुल है मेरे लिए? बोलता वो तो अच्छी नहीं, यूजफुल नहीं। बोले जब वो सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो टाइम क्यों वेस्ट करता है भाई, क्यों तेरा अपना टाइम वेस्ट करता है? तो कम से कम जो आता है उसके पास ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट लेके इसकी छुट्टी करा दो ताकि हम बच जाएंगे, ठीक। तो पीरो ने हमको बड़ा बड़ा गुना बताया है, मौला ने भी बताया है, हम में ताकत नहीं है कि हम किसी के पास जाके माफी मांगे। और फिर हम बहुत मर्तबा आते हैं कि ऐसा गुना तो हो गया है, वो आदमी दुनिया में नहीं है तो माफी कैसे मांगे, अभी कैसे जाए? हम तो ये कहेंगे ना मर जाए और उसके पास माफी मांगे, लेकिन वो कहाँ है, उसकी रूह किस जगह पे, हमको पता है? कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे काम क्यों करते हैं कि जिसमें हमारी रूह ज्यादा गुनेगार हो जाए? अपने आप को बचाने की जरूरत है। तो पर निंदा भाई जगत कुवारी, सिर पांव नरगे पड़े, सर ता पांव हम दोजक ही दोजक में जाते, क्योंकि ये अच्छा अमल तो है ही नहीं कि हमें कोई अच्छा बदला मिलेगा। माणक लेने वणझारो आयो, माणक तीस चुनी लीजिए। कितना अच्छा ज्ञान का पाठ है, हम खड़े ज्ञान में पढ़ते हैं। शाहदे हाथ लागो वणझारो, उसमें किया लेता ने किया देता, मौला के बाजार में एक वणझारा खड़ा है, उस मौला के रास्ते में, मौला के बाजार में क्या दोगे ने क्या लोगे, माणक लेने पदारथ वणजिया। हमारे पास नेक आमाल के जो माणक है वो हमने दिया, और देकर हमने दिन का एसेंस पदार्थ, हीरे मोती लाल जवाहिर, आत्मा के लिए अच्छे में अच्छा एसेंस तैयार किया हमने। माणक लेने पदारथ वणजिया, अल्लाह वणज चंगे हटे कीरा।
सिंधी की ये लाइन है, सिंधी लैंग्वेज में अल्लाह कहते हैं भाई को, ए मेरे भाई चंगे, बहुत ही खूबसूरती से हमने ये धंधा किया मौला के रास्ते में, है इससे कोई अच्छा धंधा? तो कहते हट खोली व्यापारी जो आया, माणक तिश चुनी लीजिए, कि भाई इतना अच्छा व्यापार, दुनिया का बादशाह हमारे बीच में बैठा है, खोली भंडार मारो सामेरा जो बैठा आगे आता है, लेकिन ये पहले तिजारत है, दुनिया में किस किस्म के ताजिर बैठे हैं इसका थोड़ा सा जिक्र है, माणक छोड़ी जे कंच वणजन तासे लाओ न लीजिए, खुदा न करे कभी कोई तकलीफ आ जाती हम पर, क्या करते हैं भागते हैं, भाई कोई तस्बीह दे दो ना, कोई तस्बीह दे दो ना, कभी हमने सोचा है हम लोगों से क्या मांगते हैं, मौला हमको क्या फरमाते हैं कि हम आपको इस दुनिया में भी जो बेहतर है वो देते हैं और उस दुनिया में भी जो बेहतर वो देते हैं, ठीक है, दोनों दुनिया की भलाई के लिए अच्छे में अच्छी चीजें मौला ने दी है, पूरे साल भर जितने ओकेजन हमारे पास आते हैं, सुबह शाम हमारे खुशहाली के दिन, लैलतुल कदर की रात, कितनी तस्बीह पढ़ते हैं, कितनी तस्बीह पढ़ते हैं, कहां से आई ये तस्बीह कहां से आई, मौला के घर से, मौला के घर से, हजरत बीबी फातिमा अलैह सलाम को तकलीफ थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या दिया कि भाई मैं तेरे को नौकरानी नहीं देता हूं, इससे अच्छा रास्ता बताता हूं, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, बीबी फातिमा की तस्बीह उठा के मौला ने अपने घर की तस्बीह उठा के जमातों को दे दी, हमको दे दी, जिस तस्बीह से बीबी फातिमा की तकलीफ आसान हुई थी, क्या वो तस्बीह हमारी मुश्किल आसान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कितनी तस्बीह, हमारी सुबह की तस्बीह ले लो, शाम की तस्बीह ले लो, और हर तस्बीह में सिर्फ हम या अली कहते हैं, जो नाद अली है, नाद अली है, जो चार लाइन में अरबिक की एक शायरी है, नाद अली यन मजहरल अजाइब तजिद औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम मिन व गम मिन सयंजली बी विलायतिक या अली या अली या अली, क्या कहा गया चार लाइन में, अली को पुकारो, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है, जो मोजिजात को जाहिर करने वाला है, मुसीबत में, हर किस्म के गम में, बीमारी में, बला में, आफत में, आपकी बला आफत बीमारी दूर करने वाला है, ये तीन लाइन में कहा गया, बहुत जल्दी आपकी तकलीफ से आप आसान हो जाएंगे, क्या कहना है आपको, या अली या अली या अली, ये नाद अली का तर्जुमा है, इससे कोई बड़ी तस्बीह है तस्बीह, हमको क्या लोग तस्बीह देंगे और क्या लोग दोरा देंगे, क्या धागा देंगे, इस घर के अंदर जहां मौला का नूर, अली अलैहि सलाम का नूर हमारे बीच में बैठा है, दुनिया में है कोई ऐसी शख्सियत जो ये दावा करे कि अली और नबी का नूर मेरे पास है, है कोई दुनिया के अंदर, कोई हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अली और नबी का नूर हमारे पास में है, और अली और नबी का नूर है जो हमारी सारी मुश्किल आसान के लिए हमारे बीच में मौजूद है, और वो ही खरा दुकानदार है कि जिसके पास हम धंधा करते हैं, रूहानी धंधा करते हैं, रूहानियत में इनके पास जाते हैं, हमारी दीन और दुनिया दोनों हम आबाद करते हैं। तो पीर यहाँ पर फरमाते हैं, माणक छोड़ी जे कंच वणजण, ये कांच के व्यापार जो दुनिया हमको अंधेरे में रखती है, वरगलाती है, हमारे ईमान के ऊपर अटैक करती है, इनके साथ में वणज नहीं करो, इनके साथ में धंधा नहीं करो, अपनी नाथ छोड़ी परनाथ व्यवहार न कीजिए, इनके साथ में धंधे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई फकीर, कोई दरगाह, किसी का दोरा धागा इस घर से ऊपर नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि यहाँ अली नबी का नूर है, इसके घर की खाक है, जिस खाक ने मोमिनीन के ईमान को मजबूत किया है, बड़ी बड़ी मुश्किल आसान की है, उस अली के नूर के हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। तो हमको बताया कि आप मौला से तिजारत करो, उससे धंधा करो, जिस हट्टी में भाई वखर थोड़ा, तीन साल वणज न कीजिए, उसके पास माल क्या है, माल क्या है जिनके पास हम धर्म छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं, माल है इनके पास,
जिस वखर जिस हट्टी में भाई वखर थोड़ा, उससे वणज न कीजिए। उसके पास माल ही नहीं, दुकान में माल न होगा तो हम खरीदेंगे क्या? क्या खरीदेंगे? यहाँ तो नूर से माल भरा हुआ है। जहां नजर करो, जहां नजर करो, इस दीवार को जरा छूता है उसके भी दिल को क्या सुकून मिलता है, हम नहीं समझ सकेंगे, हम नहीं समझ सकेंगे। इस दर की मिट्टी भी जो उठाता है ना, उस मिट्टी से इसको क्या शफा मिलती है, हम कभी नहीं समझ सकेंगे, हम कभी नहीं समझ सकेंगे। बहुत से दिनदारों को हमने देखा है जो जमात खाने सुबह नहीं पहुंचते हैं, अपने रोजगार अपने जॉब में जाने से पहले इतने अगर देर होती जमात खाने में ऊपर नहीं चढ़ते हैं तो नीचे जमात खाने के गेट को छू के जाते हैं। हम इनको मना नहीं कर सकते क्योंकि उसको पता है ये अली का घर है, ये अली का दरवाजा है, और इसको पता है कि उस दरवाजे से भी उसको क्या मिलता है। ये माल दुनिया में दूसरे के पास है, ये सुकून है, ये शांति किसी के पास? तो जिसके पास माल ही नहीं है उसके पास क्या व्यापार करोगे, क्या व्यापार करोगे? अच्छा व्यापार करना है फिर हमको बताते हैं आगे चल के, फिर से माणिक मोती और हीरे और जवाहरात की बात आए कि आछी आछी करणी कमाओ मेरे भाई, तो आछी आछी कहते पाक कमाई को। अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली। फर्स्ट टाइम मौलाना हाजिर इमाम ने 2000 की विजिट में पाकिस्तान में फरमान फरमाया, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, आपकी कमाई भी ईमानदारी से करो। घिनान तो हमको बताते इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के बहुत सारे फरमान थे, मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया आपकी कमाई ईमानदारी से करो। आछी आछी करनी, एक तो मजहब के नेक अमल को भी आछे अमल कहते, पाक और साफ अमल। दुनिया में रहो अपने अमल को सुधारो, धंधा करो तो नेक करो, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करो, अच्छी एथिक्स से रहो, अच्छे अमल से रहो, तो आछी आछी करनी कमाओ मेरे भाई, तो अगन न बाड़े पवन न डोले पानी न बोड़े राजा भी धन न दीजिए जी। लोग कहते हैं कि अगर हमारी नेक कमाई और दसों माले वाजबात निकले हुए पैसे है तो फिर इसमें नुकसान क्यों आता है? कभी आग लग जाती है, कभी क्या होता है, लेकिन मजहब में ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं कि परख तो मोमिन के ऊपर ही आती है ना, परख तो हीरे की होती है ना, पत्थर की तो नहीं होती। सोने को आग में डाला जाता है ना, पित्तल को तो नहीं डाला जाता है ना, पित्तल भी सोना तोल है अने सोना सरीखो देखा है, पण फरक कहाँ है? एक क्षण अगन में बाहे तो तत्क्षण काड़ो थे, देखने में पित्तल और सोना दोनों एक जैसा लगता है, फर्क कैसे पड़ता है? सोने को अगन में डालो तो काला नहीं होगा, पित्तल में डालो तो काला हो जाता है, ठीक है ना? तो परख तो मोमिन के ऊपर होती है ना, और मोमिन कहता है कि ये कोई माल ऐसा आ गया होगा ना जो निकल गया, अभी मेरे पास जो बाकी नए सिर से आएगा वो पाक आएगा, खुदा की जैसी मर्जी, वो छोड़ देता है, वो धमाल नहीं करता, वो शोर नहीं करता, वो मजहब छोड़ के नहीं भाग जाता कि मेरे माल में इतना नुकसान कैसे हो गया, पाक माल था दसों का माल था नुकसान कैसे हो गया। अरे भाई दसों तो हमने जब निकाली मौला ने कबूल कर ली, कबूल कर ली, लेकिन जिस तरह हमारे घर में कभी सफाई करने के लिए छूटे पानी से हम घर धो डालते ना, धो डालते ना, क्यों धोते हैं? इसमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता ना हमारी चीजों का, तो कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज खोने भी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक कोठड़ी एक गठड़ी माल की रख दू दसों की और फिर मैं इसमें परख लेने बैठू कसौटी करने बैठू कि ये माल जलता के नहीं मैं देखू आग लगा के, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिमिलिस बताए, सिमिलिस इस तरह बताई है कि ऐसे इंसान जो नेक अमाल करते हैं हर तरह से, इनको दुनिया की हवा हिला नहीं सकती। दुनिया का माल अगर छीना भी जाए तो उस माल से इसको कोई नुकसान नहीं होता है। वो कहता है कि जैसा मौला मुझे रखना चाहे मैं ऐसा रहूंगा, और राजा भी दंड, क्योंकि बेईमानी का काम होगा तो जेल में जाएंगे ना, ईमानदारी का काम होगा तो भले हम पर चेक कर ले, हमने टैक्स अदा कर दिया है इसलिए राजा हमारे ऊपर कोई सजा नहीं डालेगा, कोई सजा नहीं डालेगा। तो नेक जो मोमिन है वो हमेशा इस तरह सोचता है कि आछी आछी करणी कमाओ मेरे भाई, तो अगन न बाड़े पवन न डोले पानी न बोड़े राजा भी दंड न दीजिए, यानी किसी किस्म का दुख उस मोमिन को नहीं होता है, वो हर तरह से वो सुकून में सबर में शांति में रहता है। खोले भंडार मारो सामीरा जो बैठा ऊंच नीच का शब्द सुनी जे, आ कल युग में है
पीर बहुत खिलावे पण तीस थकी सेंसा न मटे। हर जगह पर आपको एक एक गुरु मिल जाएगा, हर जगह पर मजहब चलाने वाले मिल जाएगा। कभी कभी हमारे मजहब में भी कभी कहते भाई ये तो इबादत में बहुत पोचा हुआ है, क्या पोचे हुए लोगों के ऊपर कोई निशानी होती है? पोचे हुए लोगों के ऊपर निशानी होती है भाई? जो इबादत में पोचता है वो कभी जबान खोलता है? कैसे पता चलता है हमको कि ये बहुत पोची हुई भाई है, पोचा हुआ भाई है? कैसे पता चलता है? क्या कोई इसके ऊपर मोहर लग जाती है? अरे गूंगे सपना पाया तो समझ समझ पछता है। ये तो हमारे मजहब की हकीकत है कि मौला फरमाते हैं कि मैं एज ए इमाम अगर आपको ये बातें समझाना चाहूं तो मैं भी नहीं समझा सकता हूं। तो हम क्या इमाम से बड़े? जो ये दावा करते हैं कि हम पहुंचे हुए हैं और हम रूहानी का रास्ता लेने के लिए इसके पास भाग जाते हैं, अरे ईमान बेच डालते हैं हम लोग, ईमान बेच डालते हैं हम लोग। कौन पोचा हुआ है? अमे आवी केने मड़िए तेनी कोई पासे न करवी बात, जो अमारो भेद केने आलसो तो रिसामणो अमारू थाय। ये तो पीर का कलाम है। इबादत में तरक्की किए कुछ पाए तो गूंगे सपना पाया। भाई खाब देखता है गूंगा आदमी, समझा नहीं सकता क्योंकि जबान नहीं है। रूहानियत की बातों की जबान होती है, कैसे पता चलता है कि हम पूछते? तो ये तो पीर ने भी बताया ना कि घर घर पीर कहलवाएंगे। गिनानों के अंदर है कि घर घर लोग बोलेंगे हम भगत हैं, हम पोचे हुए हैं, और अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो खोली भंडार मारो सामी राजो बैठा, ऊंच नीच का शब्द सुनीजे। ये ऊंच नीच का शब्द हमको बीट लगानी होती है, नांदी होती है, हम आगे पीछे जाते हैं ना, तो कभी मौला की बात को भी सुनो और कभी बार वालों को भी सुनो, पता चलेगा कि मौला क्या कहते हैं हमारे लिए। मौला कहाँ बैठे, किसके हाथ में बैलेंस, किसके हाथ में तराजू है, त्राजवा किसमें हाथ में है, कौन ये स्केल लेकर बैठा है? दुनिया के पास है हमारे दुनिया और आखिरत का सवाब कोई दे सकता है? कोई पीर कोई भगत ये कह सकता है कि भाई तेरे बदले मैं मर जाऊं या तेरी बला आफत मेरे पर आ जाए? कोई नहीं कहेगा। सब हमारे ईमान के पीछे पड़े हैं और यही शैतान होते हैं, यही शैतान होते हैं। ऊंच नीच का शब्द, मौला जो माल के जो दाम लगाता है, मौला जो रहनुमाई करता है, मौला जो गाइडेंस देता है, मौला जो फरमाता है, उस फरमान को सुनो और उसके ऊपर अमल करो। इसको कहते हैं कि मौला भंडार खोल के बैठा है। लई तराजू मारो साहेब राजो बैठा, लाओ तो मूल करीजे। मौला तराजू लेकर बैठा है, कभी आके इस दुकान के अंदर बैठो तो सही। या मौला तेरे फरमान के मुताबिक सारे बुरे अमल छोड़कर आई हूं मौला भलाई के लिए, फिर देखो वो कैसे बैलेंस नहीं करता, कैसे नहीं देता। और मोमिन को नेक अमल करता है तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मौला खुद उसको देता है, मौला खुद देता है। तो लई तराजू मारो सामीरा जो बैठा, ये तिजारत का रास्ता है, ये रूहानी दुकान है, ये हकीकी तिजारत है। यहाँ आओ, अपने आमाल को पीछे छोड़ो, अच्छे आमाल लेकर आओ, अच्छी सांस लेकर आओ। जितना वक्त मौला के नाम पर गुजार सकते हैं, ये हमारा रूह का, हमारी सांस का बैंक बैलेंस है, ये आखिरत की कमाई है जिसका हिसाब मौला देने के लिए बैठे हुए हैं। आखिर में हमको बताते हैं, ए गिनान महारस पीर गोफ्ते हसन शाह सामी राजो सिदक पति जी। फिर हसन कबीरदीन इस गिरान को फरमाते हैं कि मौला को सच्चा समझो, हकीकत से, सच्चाई से, ईमान से मौला की जात को पहचाने की कोशिश करो। वो जीरे बहरे चेत चेत माना का जो मैंने पाठ पढ़ा था, इसके आखिरी पाठ में भी पीर सदर दिन फरमाते हैं, और इस पाठ के खुलासे के साथ मैं अपनी जगह लूंगी। अपना स्वामी जी ने साचू करी श्रेवो अने दिल में है विश्वास आणो, भणे पीर सदर दिन कबही न हारो, जो जोई जोई पासा ढाड़ो। अपने मौला को बरहक सच्चाई से, सच्चे ईमान से, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए, उसकी जात पर ईमान रखते हुए इसकी इताअत करो, इसकी फरमान बरदारी करो, इनकी सेवा करो,
और अपने दिल में कभी भी शक पैदा नहीं करो। देखो, दूसरे के चश्मे पहन के अपने मजहब को देखेंगे ना तो हमें कभी सही नजर नहीं आएगा। अपने चश्मे से अपना विजन क्लियर होता है। दूसरे मजहब वाले क्या करते हैं वो उनका मामला है। दो तीन वाज हुआ है मेरे शोहर अलवाइस कमालुद्दीन का, और स्टूडेंट्स जो है जिनकी एज लिमिट भी है, इनको मैं स्पेशली अपील करूंगी कि आपके साथ में जो हमारा एक सेमिनार है प्लीज अटेंड करना। ये बर्निंग क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में है ना, इसको डील करेंगे, इसको डील करेंगे। तो बाहर वाले क्या कहते वो तो कहते रहेंगे, वो तो कहते रहेंगे। आप 300 दिन रोजा रखेंगे, 300 दिन नमाज पढ़ेंगे, 300 दिन हज पढ़ने जाएंगे, लेकिन जब तक हाजरी इमाम आपके बीच में है ना, तब तक वो आपको कभी नहीं माफ करेंगे, वो आपको तंगी करते रहेंगे। हमारा तरीका इसलिए अलग है कि मौलाना हाजरी इमाम हमारे बीच में है, जो अली और नबी के नवासे हैं, जो अली और नबी के नवासे हैं, वो हमारे बीच में है और वो हमको दिन और दुनिया में कैसे चलना वो चलाता है। हम हाजरी इमाम को माइनस करें ना तो हम दुनिया को खुश कर सकते। जब तक हाजरी इमाम हमारे बीच में है तब तक हम कुछ भी करेंगे नहीं इनके कहने के मुताबिक, ये हमसे कभी भी खुश नहीं होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो इमाम को नहीं मानते और इमाम को तस्लीम नहीं करते। इसलिए पीर हमको बताते कभी शक नहीं करना, कभी अपने ईमान को कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करना। पीर सदरदीन फरमाते हैं कि आप हमेशा जीतोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। किस तरह? जोई जोई पाशा ढाड़ो। शतरंज जब खेलते हैं ना तो क्या करते हैं, बहुत सोच समझ के देख देख के उसके गोटियों को हिलाते हैं ना। तो हम जब मजहब में बैठे हैं, अपना ईमान संभालने की जरूरत है, यहाँ वहाँ कोई बेचने की जरूरत नहीं है। जो भी सरमाया सांसों का लाए है इसको आगे बढ़ाना है, इसमें तरक्की करनी है, मजबूत होना है, क्योंकि खुदा के नूर से है, खुदा के नूर में हमको वापस जाके मिलना है, और वहाँ जाएंगे तो अच्छे में अच्छा नेक आमाल का तोहफा, नेक आमाल की भेंट, हमारी रूह की पाकिजगी के यहाँ से निकले और मौला के नूर में एक हो गए, ये लेकर हमको जाना है। आपने बड़ी खामोशी से, मुझे पता नहीं मैंने टाइम क्या लिया है, अगर ज्यादा ले लिया हो तो माफ चाहती हूँ। मुझे कहा गया था 45 to 1 hour, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने टाइम नहीं देखा था, तो बड़ी खामोशी से और आपने काफी देर तक मुझे सुना है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मौलाना हाजरी इमाम की हुजूर में दुआ है कि मौलाना हाजरी इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।